बिग बॉस 14 की विनर रूबीना दिलेक के बाद अब बिग बॉस 14 के रनर अप राहुल वैद के इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू हो चुका है। फैंस हो या मीडिया, हर कोई राहुल से सवाल पूछने के लिए तैयार बैठा है। बता दें आपको कि राहुल वैद भी अपने फैंस और मीडिया के सवालों का बेहतरीन जवाब देते नज़र आ रहे हैं, और ऐसे ही एक सवाल का जवाब राहुल ने बखूबी दिया जब उनसे अभिनव पर रिएक्शन पूछा गया। चलिए बताते हैं आपको कि राहुल वैद की अभिनव शुक्ला पर क्या है राय। लेकिन उससे पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बता दें आपको कि रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान जब राहुल वैद्य को पूछा गया कि अभिनव शुक्ला से घर के बाहर आने के बाद क्या है उनका रिएक्शन, क्या बातचीत हुई है या नहीं, और रूबीना अभिनव को वो अपनी और दिशा की शादी में इन्वाइट करेंगे या नहीं, तो इन सभी सवालों का जवाब राहुल बहुत ही स्मार्टली देते नज़र आए। राहुल वैद्य ने सबसे पहले तो ये कह दिया कि बिग बॉस 14 एक रियलिटी शो था, एक गेम शो था, और मैं उसे उसी तरह देखता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि एक रियलिटी शो को और उसमें हुई हर एक चीज़ को, हर झगड़े को, हर बात को वहीं भूलकर हमें अब आगे बढ़ना चाहिए। राहुल का ये कहना है कि बिग बॉस 14 और बिग बॉस के घर में हुई सभी बातों को, सभी गिले शिकवों को मैं पीछे छोड़ आया हूँ, मैं घर के अंदर ही छोड़ आया हूँ, और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि बाहर के लोग भी उसे उस घर में ही रहने दें। हम घर से बाहर आ चुके हैं और अब समय आ गया है कि अब हम मूव ऑन कर जाएं अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए। राहुल ने आगे ये भी बताया कि एक क्रिएटिव इंडस्ट्री से होने के नाते, सिंगर एक्टर डांसर होने के नाते, अब उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो आगे अपने ऑडियंसिस को अपने काम के ज़रिए एंटरटेन करना शुरू कर दे, और ना कि बिग बॉस से जुड़ी बातों में अभी भी उलझे रहे। तो ये था राहुल वैद्य का रिएक्शन जब उन्हें पूछा गया कि आगे आने वाले समय में या घर से बाहर आने के बाद अभिनव के साथ उनकी क्या बातचीत हुई या अभिनव की बातों पर उनका क्या रिएक्शन आया। आगे जब राहुल को ये पूछा गया कि वो बिग बॉस 14 के किन किन कंटेस्टेंट्स को अपनी शादी में इनवाइट करेंगे और ख़ासकर वो रूबीना और अभिनव को अपनी शादी में इनवाइट करेंगे या नहीं, तो इसका भी राहुल ने बड़े ही डिप्लोमेटिक अंदाज से जवाब दे दिया। राहुल ने कह दिया कि शादी में कौन कौन आएगा ये तो दूर की बात है, फ़िलहाल तो शादी की डेट ही डिसाइड नहीं हुई है, तो इस वक्त उन बातों पर मैं कुछ भी कहना नहीं चाहूँगा। तो इस तरह से राहुल ने बड़े ही दिलचस्प अंदाज में इस बात को टाल दिया कि रूबीना और अभिनव उनकी शादी का हिस्सा होंगे या नहीं। क्या लगता है आपको, क्या शो में रहे अपने कट्टर दुश्मनों को राहुल वैद्य असल ज़िंदगी में आई अपनी खुशियों में शामिल करेंगे या नहीं? जो भी है आपकी राय इस पर हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं।